गुड मॉर्निंग क्लास 5। मैं हूँ अभिचार सर और आज आप सबके बीच में लेके आया हूँ आपके चैप्टर नंबर 9 का फर्स्ट वीडियो। इस चैप्टर का नाम है इंसर्शंस इन एमएस वर्ड, यानी कि एमएस वर्ड में हम लोग इंसर्शंस कैसे करेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में समझने वाले हैं, ठीक है। तो आखिर इंसर्शंस क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखते हैं इसमें अभी आगे की ओर पढ़ाई करते हुए, ठीक है। तो अब इससे पहले वाले क्लास के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ बाबू, इससे पहले मैं आपको चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन आंसर लिख के मैंने भेजा था। तो आप में से गर्ल्स सेक्शन के तो कुछ बच्चे लिख के भेजे थे, ठीक है, लेकिन बॉयज सेक्शन से मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत ही कम बच्चे इसको भेज पाए थे, ठीक है। तो अब मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे इसको लिख के जल्दी जल्दी भेजिए बाबू, ऐसे नहीं ना काम चलेगा, है ना। ऐसे अगर आप लोग काम करेंगे तो नहीं चलेगा। आप लोग पर डे जो होमवर्क मिल रहा है उसको पूरा कीजिए, उसको भेजिए, या फिर क्लास वर्क जो मिल रहा है उसको पूरा कीजिए, उसको दिखाइए, ठीक है। तो आप लोग इस सब चीज़ों का ध्यान रखा कीजिए बाबू, ठीक है। चलिए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हैं। तो इसमें हम लोग सीखेंगे इंसर्ट कैसे करते हैं, किन सब चीज़ों को अपने एमएस वर्ड में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हेडर और फुटर के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो हेडर और फुटर हमें इंसर्ट करना होता है आपने एमएस वर्ड में, और नाम से थोड़ा थोड़ा आप लोगों को क्लियर भी हो रहा होगा। तो आखिर हेडर और फुटर क्या होता है ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नाम से आपको थोड़ा थोड़ा पता भी चल रहा होगा कि हेडर, हेडर यानी कि मतलब ऊपर की ओर। हेड कहाँ होता है हमारा, हेड हमारा पैर के पास होता है क्या? नहीं ना, हेड हमारा ऊपर की ओर होता है। तो हेड पेज के ऊपर में जो कुछ होता है उसको हम लोग हेडर बोलते हैं, और फुटर यानी कि फुटर यानी पैर की तरफ, नीचे की तरफ। तो पेज के नीचे की तरफ जो चीज़ रहता है उसको हम लोग फुटर बोलते हैं, समझ गए। तो यहाँ ध्यान देंगे, द कंटेंट इन द हेडर अपीयर्स एट द टॉप ऑफ ईच प्रिंटेड पेज, द कंटेंट इन द फुटर अपीयर्स इन द बॉटम ऑफ ईच प्रिंटेड पेज। यानी कि जितने भी प्रिंटेड पेज होते हैं वो उसके जो आपका हेडर होता है वो ऊपर की ओर होता है, और फुटर जो होता है वो नीचे की ओर होता है। मान लेते हैं कि ये एक पेज है और यहाँ पे जो कुछ भी चीज़ लिखा हुआ आएगा ऊपर वाले सेक्शन में, ये आपका क्या होगा, ये हमारा हेडर होगा। और जो नीचे की ओर, मान लेते हैं कि इस सेक्शन में जहाँ पर मैं अभी अंडरलाइन कर रहा हूँ, इस सेक्शन में अगर कुछ भी लिखा होगा, ये एरिया आपका क्या कहलाएगा, ये एरिया आपका फुटर कहलाएगा। तो अब जानते हैं हम लोग हेडर और फुटर के बारे में। हेडर और फुटर क्या होता है ये तो आप लोग समझ गए। हेडर के डेफिनेशन में आप लोग यहाँ से लिख लेंगे, ये वाला फर्स्ट पॉइंट यहाँ तक आपका हेडर लिख लेंगे, व्हाट इज हेडर, और नीचे वाला जो पॉइंट होगा दूसरा, इसको हम लोग फुटर बोलेंगे, ठीक है। अब जानते हैं, यू कैन इंसर्ट टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स इन द हेडर एंड फुटर। आप चाहे तो अपने हेडर और फुटर में टेक्स्ट या फिर ग्राफिक्स लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन ऐड पेज नंबर, टाइम एंड डेट, कंपनीज लोगो एंड टाइटल्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, और ऑथर्स नेम, या अदर अदर चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यानी कि हम लोग अपने हेडर और फुटर में पेज नंबर डाल सकते हैं, टाइम और डेट डाल सकते हैं, कंपनी का लोगो डाल सकते हैं, टाइटल डाल सकते हैं, या फिर डॉक्यूमेंट का नाम डाल सकते हैं, या फिर डॉक्यूमेंट लिखने वाले का हम लोग नाम यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम लोग कर सकते हैं। तो अब आती है बात, आखिर हम लोग हेडर और फुटर की बात कर रहे हैं तो हेडर और फुटर लगाते कैसे हैं बाबू, ठीक है। हाउ टू इंसर्ट हेडर एंड फुटर, ठीक है। यू कैन इंसर्ट प्री डिजाइंड हेडर एंड फुटर इन योर डॉक्यूमेंट्स एंड कैन ईजिली चेंज द हेडर एंड फुटर डिजाइन। आप लोग चाहो तो हेडर और फुटर को जो प्री डिजाइन जो होते हैं, यानी कि पहले से हमारे कंप्यूटर में जो रखे हुए होते हैं, उसको हम लोग अपने इसमें यूज़ कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। मैं जो लाइन अंडरलाइन कर रहा हूँ बाबू, उसको आप लोग लिख लेंगे और मैं आगे वाली लाइन को आपको बताता हूँ। यू कैन इवन क्रिएट योर ओन हेडर एंड फुटर यूजिंग कंपनीज लोगो विद कस्टमाइज लुक एंड सेव इट इन द गैलरी। आप चाहो तो आप अपना हेडर और फुटर बना सकते हो, जैसे कि आप अपने कंपनी का लोगो लगाना चाहते हैं किसी अलग लुक के साथ, तो आप उसको बनाएंगे, डिजाइन करेंगे और उसको आप अपने कंप्यूटर में सेव करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ गए आप। अब आप आइए कि सबसे पहले हम लोग हेडर कैसे लगा सकते हैं। इंसर्टिंग हेडर एंड फुटर थ्रू अ डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट के थ्रू आप हेडर और फुटर कैसे लगाते हैं, ठीक है। ऑन द इंसर्ट टैब, आप सबसे पहले इंसर्ट टैब में जाएंगे, देन हेडर एंड फुटर ग्रुप, क्लिक हेडर एंड फुटर। आपको हेडर और फुटर पे क्लिक करना पड़ेगा। जो भी चीज़ आप लगाना चाहते हैं, या तो आप हेडर लगाना चाहते हैं या फिर फुटर लगाना चाहते हैं, आप ध्यान देंगे। सेलेक्ट द हेडर और फुटर डिजाइन विच इज़ सुटेबल फॉर यू। यहाँ आके आपको हेडर और फुटर में से कोई एक चीज़ चूज करना पड़ेगा, दोनों में से कोई एक चीज़ आपको चूज करना पड़ेगा। और उसके बाद
द सेम हेडर और फुटर इज इंसर्टेड ऑन एवरी पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट, जो आप सेलेक्ट किए रहेंगे वो सेम हेडर और फुटर आपके उस पेज पे अप्लाई हो जाएगा। आप ध्यान देंगे यहाँ जैसे ही हमारे इंसर्ट टैब में जाएंगे, इंसर्ट टैब में जाने के बाद हमें हेडर एंड फुटर में जाना पड़ेगा और जो भी हेडर और फुटर हम सेलेक्ट करेंगे, मान लेते हैं कि ये वाला हम लोग सेलेक्ट कर लिए, ये ऊपर वाला हेड, जैसे ही सेलेक्ट किए तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हेडर में आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है ना, ये आपका हेडर में दिख रहा है। वैसे ही हम लोग फुटर में जाएंगे तो फुटर में यहाँ पे हेडर और फुटर दोनों अलग अलग ऑप्शन है। फुटर में मान लेते हैं कि हम ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे, ये वाला, अब देखिए नीचे में यहाँ पे सारा कुछ दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना। तो आप देखेंगे आप एडिट कैसे करते हैं, यानी कि इसको चेंज कैसे करेंगे। हेडर और फुटर हम लगा लिए हैं लेकिन हमें नहीं, ये हेडर और फुटर हम नहीं लगाना चाहते हैं, कोई दूसरा लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो हाउ टू एडिट हेडर एंड फुटर का ये हेडिंग रहेगा, इसको आइए ज़रा समझते हैं। तो आपको फिर से हेडर और फुटर ग्रुप में जाने के लिए आपको इंसर्ट टैब में जाना पड़ेगा, देन आपको हेडर और फुटर ग्रुप में जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको हेडर और फुटर में से कोई एक चीज़ क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, क्लिक एडिट हेडर और एडिट फुटर फ्रॉम द मेन्यू, आपको एडिट हेडर या एडिट फुटर मेन्यू से सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऑन क्लिकिंग एडिट हेडर और एडिट फुटर डिजाइन टैब बिकम्स विजिबल टू द रिबन्स विच प्रोवाइड्स यू विद द एडिटिंग ऑप्शन एज सून। आपको हेडर फुटर ग्रुप में जैसे ही जाएंगे तो वहाँ पे क्लिक करेंगे हेडर पे तो आपके पास डिजाइन टैब ओपन हो जाएगा। डिजाइन टैब जैसे ही ओपन होगा तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से आप उसको एडिट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, समझ गए। तीसरा पॉइंट कहता है, यूजिंग द एडिटिंग ऑप्शंस यू कैन इवन मेक हेडर एंड फुटर डिफरेंट फ्रॉम ऑड इवन और फर्स्ट पेज। यहाँ पे आप जाके इसको ऑड इवन या फिर फर्स्ट पेज पे ही लगाना चाहते हैं, इन सारे चीज़ों को भी आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और लगा सकते हैं, ओके समझ में आ रही है बात। और यहाँ पे देखेंगे यू कैन इवन डायरेक्टली डबल क्लिक इन हेडर और फुटर एरिया टू एडिट इट। आप अगर चाहते हो कि हेडर और फुटर एरिया में डबल क्लिक करोगे तो उससे भी वो चेंज हो सकता है। आप देखेंगे यहाँ पे जैसे ही आप डिजाइन टैब यहाँ देखिए और लेआउट टैब भी यहाँ पे है, तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो सबसे पहले आपके पास डिजाइन टैब वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, इससे पहले आपको डिजाइन टैब नहीं दिखता होगा, ठीक है। तो उससे आप लोग हेडर और फुटर लगा सकते हैं। यहाँ नोट में बाबू एक पॉइंट लिखा गया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा और इसको निश्चित तौर पर नोट करके आप लोग अपने कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। इफ़ नेसेसरी यू कैन फॉर्मेट टेक्स्ट इन द हेडर और फुटर बाय सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड यूजिंग द फॉर्मेटिंग ऑप्शन ऑन द मिनी टूल बार, प्रेस ESC की टू मूव फ्रॉम हेडर एंड फुटर एरिया टू डॉक्यूमेंट एरिया। अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ती है कि हेडर और फुटर में कोई भी चीज़ हेडर फुटर एरिया में है, हम लोग वहाँ सेलेक्ट किए हुए हैं, लेकिन आपको किसी भी एरिया में जाना है, यानी कि वर्किंग एरिया में जहाँ पे हम लोग टेक्स्ट लिखे हुए हैं वहाँ जाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हमें यहाँ पे आपके हेडर और फुटर ग्रुप के में हम लोग हैं वहाँ पे जाके आपको ESC बटन दबाना पड़ेगा, यानी कि जो एस्केप बटन आपका होता है वो बटन हम लोग दबाएंगे तो वहाँ से हम लोग बाहर चले आएंगे, जो आपका डॉक्यूमेंट एरिया होगा वहाँ हम लोग चले आएंगे, ठीक है ना। तो ये जो आपका लिखा हुआ है नोट में, इस पॉइंट को भी आप सारे बच्चे अपने कॉपी में लिख लेंगे और क्लास ख़त्म होने के बाद आप इसको दिखाएंगे भी, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं और जितने भी पॉइंट्स को मैंने अंडरलाइन किया है या फिर टिक किया है उस पॉइंट को आप लोग अपने फेयर कॉपी में लिखेंगे और चेक कराएंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। और अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, अगला टॉपिक आपको पता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी है अभी, सेविंग योर कस्टमाइज हेडर एंड फुटर, अपने कस्टमाइज हेडर और फुटर को कैसे सेव करेंगे, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ओके थैंक यू।